हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एमके ग्लो जोन। और मैं हूं आपकी होस्ट ममता। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं नोज स्ट्रिप की। जी हाँ, हिप हॉप की ये नोज स्ट्रिप है। ये एक्चुअली मैंने कभी भी इसको यूज़ किया नहीं है, बट स्टिल कल मैं एक मार्केट में गई थी तो एक शॉप पे मुझे ये दिख गई, तो मैंने ये परचेज कर ली। मैंने कहा चलो देखते हैं कि क्या इसका रिस्पॉन्स है। तो मैंने इसको फर्स्ट टाइम मैं यहीं पर आप लोगों के सामने यूज़ कर रही हूँ, और मैं बताऊँगी कि क्या रिस्पॉन्स मुझे लगा इसका, क्या सच में ब्लैक हेड्स हट रहे हैं इससे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्चुअली इसका नेम जो है फुल मैं बता देती हूँ, इसका नाम है हिप हॉप क्लिनजिंग चारकोल नोज स्ट्रिप। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें अपनी नाक को थोड़ा वेट करना है, तो इसके लिए मैं एक हैंकी ले रही हूँ और गुनगुना पानी ले रही हूँ। गुनगुने पानी की मदद से मैं अपनी नाक पर इसको टैप टैप करके लगाऊंगी। और अगर आप के पास टाइम है और आप कर सकते हैं तो थोड़ा सा हैंकी गीला कीजिए और अपनी नाक पर रख दीजिए थोड़ी देर के लिए, यानी 1 मिनट के लिए अप्रॉक्स। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, तो उसको टैप टैप करके लगाना है, या फिर आप ऐसे भी लगा सकते हैं जैसे मैंने आपको बताया। गुनगुना ही पानी लगाना है, ज़्यादा गर्म पानी ना यूज़ करें, स्किन जल सकती है उससे, तो गुनगुना ही पानी यूज़ करें। इससे पोर्स ओपन हो जाएंगे और जो भी चीज़ हम अप्लाई कर रहे हैं अपने नाक पे वो अच्छे से रिजल्ट देगी। तो उसके बाद मैंने ये सूखे कपड़े से इसको पोंछ लिया है। अब मैं ओपन कर रही हूँ ये हिप हॉप का नोज स्ट्रिप, तो ये मुझसे ओपन भी नहीं हो रही है। देखो, अब मुझे सीज़र लानी पड़ेगी, वीडियो भी पॉज करनी पड़ेगी इसके लिए मुझे। तो दोस्तों, अब ये ओपन हो चुकी है, इसको मैं निकाल लेती हूँ। ये आपका दोनों तरफ से, एक तरफ से वाइट है और एक तरफ से ब्लैक है। तो चारकोल वाली है तो ऑब्वियस है कि चारकोल वाला जो हिस्सा है, ब्लैक जो हिस्सा है, वो नाक पे लगेगा। तो इसमें कोई मेंशन नहीं है कैसे लगानी है, तो आप अपने अकॉर्डिंग लगा सकते हैं। वैसे मैं जो इसका बाहर वाला हिस्सा निकला है इसको मैं नोज़ टिप पर लगा रही हूँ, बट ये मेरे नोज़ पर अच्छे से पेस्ट हो नहीं रही है, स्टिकीनेस कम है थोड़ी। जी हाँ, अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी इस्तेमाल कर लेती हूँ ताकि मे भी पानी से ये चिपक जाए, तो पानी इस्तेमाल कर रही हूँ इसमें मैं। हाँ, पानी से एक्चुअली ग्रिप पकड़ने लग गई थी तो इसलिए मैंने थोड़ा और पानी इसमें लगा दिया। क्या बन रही है? तो दोस्तों, मेरी ये वीडियो अगर आपके लिए रहेगी यूज़फुल तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और बेल आइकन को प्रेस करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। ओके दोस्तों, तो इसको मैं अच्छे से लगा रही हूँ, बट इस कमरे में मेरी बेटी भी थी इस वीडियो को बनाते समय, तो वो मुझे बहुत परेशान कर रही थी बार बार, मम्मा ये क्या लगा लिया, मम्मा ये क्या लगा लिया। तो ये पानी लगा लगा के 10 मिनट हो गए हैं, इसको पेस्ट हो गई है। ये टाइम देख लीजिएगा आप, 10 मिनट तक इसको आपको रखना है। इसको 10 मिनट तक रखने के बाद इस तरीके से पानी लगाने की वजह से ये पूरी ब्लैक हो गई है स्ट्रिप। आप चाहें तो फिर पानी मत लगाना, अगर आपको ये ठीक ना लगे तो पानी आप कम लगा लेना। तो ये पूरा चारकोल मेरी नोज़ पर आ गया है, आप देख सकते हैं पूरी नाक ब्लैक हो गई है मेरी, बट इस पे वाइट हेड आए थे। तो इसका रिस्पॉन्स मैं अगर बताऊँ तो बहुत ही सही लगा मुझे। एक सिंगल पीस का है, आप बैग में रख के कहीं भी ले जा सकते हैं, कभी आपको कहीं जाना हुआ तो ये सब तो हमें ज़रूरत पड़ती रहती है इन सब चीज़ों की, तो आप ले जा सकते हैं, काफ़ी सही है, कैरी करने लायक है। और ये फिर वो चारकोल जो मेरी नाक पे लग गया था वो मैंने हैंकी की मदद से पोंछ लिया है, और ज़्यादा मेरी क्लीन हो गई है नोज़ और काफ़ी सॉफ्ट हो गई है। जब ब्लैक हेड्स हट जाते हैं तो काफ़ी क्लीन हो जाती है नाक एकदम, आप हाथ लगाते काफ़ी सॉफ्ट लगती है, तो वही मुझे फील हो रहा है। वाइट हेड सारे हट गए हैं तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। बाय।